हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, हर कोई अपनी इच्छाएँ पूरा करना चाहता है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है, अपने भाग्य को बदलना चाहता है, और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें होती हैं, मैनिफेस्टेशन की बातें होती हैं, वाइब्रेशंस की बातें होती हैं, थिंकिंग प्रोसेस की बातें होती हैं। यानी किसी तरह हर इंसान जानना चाहता है कि मैं कैसे अपनी इच्छाओं को पूरा करूं। तो जैसे मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया भी है कि कैसे ये प्रोसेस है, हमारा बॉडी का सिस्टम जो हमें मिला हुआ है, वो उसकी शुरुआत मैंने आपको बहुत बार बताई है कि वो कहाँ से शुरू होती है, आपकी थिंकिंग से, आपके थॉट प्रोसेस से। आप पहले इमेजिन करते हैं तो फिर क्या होता है, थॉट प्रोसेस में जाते हैं, जो आपको पसंद आता है तो वहाँ से शुरुआत की जाती है। तो अब लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती क्यों नहीं है। तो जो भी प्रोसेस है उसमें अगर कोई भी एक एलिमेंट छूट जाएगा तो यानी एक ब्लॉक जो है वो टूट गया, तो वो पूरा प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। तो उसमें एक बहुत बड़ा एसेंशियल एलिमेंट है, बहुत ज़रूरी तत्व है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो आज मैं चाहूँगी कि आप उस बात को वैल्यू दें, उस चीज़ को छोड़े नहीं बल्कि उसको पूर्णता अपना लें। तो वो चीज़ जो है आपके विचारों को बहुत गति देगी, आपके विचारों को शक्ति देगी। तो ऐसी कौन सी बात है, आपने अक्सर सुना क्या है, आप ऐसा करते भी हैं। और मुझे भी याद है कि बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, मेरे डैड लेके गए थे, तो तब तो हमें समझ भी नहीं थी। तो आई थिंक वो मूवी थी धन्ना जट, है ना, उस ज़माने में। तो उसमें क्या था, उसमें ये दिखाया गया था कि अगर विश्वास पत्थर में भी है ना, तो वो भी भगवान बन जाता है, यानी वो भी मैनिफेस्टेशन वहाँ से भी हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्ट दिखाया गया था, फेथ का, आस्था, विश्वास का। तो ये क्या है, विश्वास, फेथ, आस्था, और ये वाला एलिमेंट जो है ये बहुत एसेंशियल भी है मैनिफेस्टेशन में। इसके बिना मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं होती है, अब मैं आपको बताऊंगी कैसे। और अक्सर ये भी कंप्लेंट आती है, लोग ये भी कहते हैं कि विश्वास आता ही नहीं है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि विश्वास आएगा कैसे, उसकी विधि क्या होगी और कैसे आप इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस समय की जो बात है, तब तो समझ नहीं आई थी, बहुत छोटे थे हम लोग, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है कि वो क्या था, वो क्या था, वो विश्वास क्या था, वो इनविजिबल एनर्जी जो थी वो किसी तरह से अफर्म कर रही थी, है ना, कि ये काम हो जाएगा। जैसे आज हम सीख रहे हैं कि कैसे हमने अफर्मेशंस देनी है। तो अफर्मेशंस क्या होती हैं, कंफर्म करना किसी बात को, बार बार दोहराना। यानी एक विचार है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कहा जाता है आपको, कि उस विचार को बार बार दोहराएं ताकि वो मंत्र बन जाए। मंत्र बनने का क्या अर्थ है, कि वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाए, यानी सबकॉन्शियस के द्वारा ही वो चलना शुरू हो जाए। क्योंकि जब विचार गहरे में जाता है तभी वो मैनिफेस्टेशन की ओर जाता है, तभी इंटेलिजेंस एनर्जी के साथ वो जुड़कर आपकी मैनिफेस्टेशन कर देता है। तो ये फेथ क्या है, दिखने को ये कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ें इनविजिबल होती हैं उनकी पावर को हम सिर्फ अपना कर ही जान सकते हैं, उनके बारे में सोच कर कि ऐसे है ये वैसे कहकर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो फिर हम यही कहेंगे कि नहीं काम हो रहे। तो बहुत ज़रूरी है इसको समझना, और इसको समझना क्या, इसको अपनाना। कैसे, जैसे आपको किसी बात में फेथ नहीं है, सपोज नहीं है, नहीं होता कई बार बच्चों को, नहीं भी होता कि क्यों करें हम ऐसे फेथ, अनुभव से तो जरूर आते हैं। तो लेकिन अगर अनुभव नहीं भी हुआ, उससे पहले भी हमने मैनिफेस्टेशन में जाना है, तो हम क्या करेंगे, तो फेथ को हम अपने अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, हम अफर्मेशंस का सहारा लेंगे। हम क्या करेंगे, अफर्मेशंस का सहारा लेंगे। यानी अफर्मेशन का सहारा क्यों लेंगे, क्योंकि हमने अपने विचारों को गति देनी है, पावर देनी है। तो पावर कैसे आएगी, जब हम किसी चीज़ को विश्वास देंगे, उसमें विश्वास की पावर डालेंगे, तभी वो उसमें विचारों में गति आती है। और जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आपकी फीलिंग्स होती हैं। यानी आप ये नोट कर लीजिए कि आपके विचार, आपकी भावनाएं, फीलिंग्स, जैसा आप सोच रहे हैं, और प्लस अगर आपका फेथ आ गया तो देन इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन सबकॉन्शियस तक आपकी बात वो पहुँच गई, और जब सबकॉन्शियस तक बात पहुँच गई तो वो इन कॉस्मिक एनर्जी के साथ मिलकर वो मैनिफेस्टेशन के लिए
काम आपका हो जाता है, तो आप इस फैक्टर को जो पावर ऑफ फेथ है, मैं चाहूंगी आपके हमारे समाज में, भारतीय समाज में तो जाने अनजाने ही हमारे अंदर परमात्मा के प्रति किसी भी पूजा किसी के माध्यम से भी हमें ये बता दिया गया कि हमें फेथ रखना है, हमें विश्वास करना है। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जो विश्वास होता है ना वो क्या करता है, वो पत्थर वो पर्वत भी हटा देता है। विश्वास में इतनी ताकत है कि वो पर्वत भी हटा देता है। और विश्वास के ऑपोजिट चलेंगे, डाउट करेंगे तो क्या होता है, तो वो पर्वत खड़े कर देता है, यानी रास्ते में बाधाएं भी आ जाती हैं। तो विश्वास की इतनी इम्पोर्टेंस है और मैनिफेस्टेशन इसके बिना अधूरी रह जाती है। कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं लेकिन वो करते करते जब टाइम लग जाता है, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है, उसने अपने प्रोसेस में ही कंप्लीट होना है तभी वो मैनिफेस्ट होगी, तो हम बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अभी तक हुआ नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो हम पहले क्या करते हैं, खुद पर ही विश्वास अपना करना छोड़ देते हैं कि नहीं मेरे बस का नहीं है, हम कह देते हैं ना। तो यानी खुद पर भरोसा खोया और कि ये काम हो जाएगा, जो ये पॉजिटिव अफर्मेशन थी उस पर भी हमने विश्वास करना छोड़ दिया। तो जब ये पावर चली गई तो क्या हुआ, हमारा जो है जो सारा प्रोसेस था उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ गया। तो अगर आप चाहते हैं तो इस बात को आप आजमा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और इस पावर के बिना, इस इनविजिबल पावर के, इनविजिबल है लगता है कि ऐसे ही है, ऐसे वैसे नहीं है, ये बहुत बड़ी पावर है। और जो इनविजिबल पावर सारे काम कराती है ये भी उसका हिस्सा है। तो ये इंटरनल जब आप हम अपनी यात्रा में चलते हैं तो उस समय इसका हमें एहसास भी होता है। और जैसे हम कहते हैं ना कि चमत्कार चमत्कार की बातें करते हैं, तो चमत्कार का बेस क्या होता है, चमत्कार क्या होते हैं, चमत्कार वो होते हैं जो हमें लगता है कि हम कर नहीं सकते थे, यानी हमारी सोच से परे की जो चीज़ें होती हैं वही जो इनविजिबल है, यानी जो हमारी दृष्टि से ऊपर की बातें होती हैं, जिसे हम तीसरी आंख की भी बात कह सकते हैं, यानी जो हमारी सोच से परे की चीज़ें होती हैं जब वो घटित होती हैं ना, तो हम कहते हैं चमत्कार हो गया, है ना। तो चमत्कार का बेस क्या है, उसका बेस क्या है, फेथ है। यानी हम जब भी फेथ कर लेते हैं कि ये मेरा काम हो जाएगा, वो चाहे हम खुद पर फेथ करें, क्योंकि आत्मिक शक्ति हमारे पास भी है, तो इशारा तो आत्मिक शक्ति और शक्ति की तरफ ही है कि हम खुद पर भरोसा करें, खुद पर विश्वास करें, राइट। तो बिलीव इन योर सेल्फ, तो मैसेज तो ये दिया गया था कि खुद पर विश्वास करो एंड बिलीव इन द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। तो जो ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, इनविजिबल इंटेलिजेंस है, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सारे काम कराती है। तो विश्वास जब तक नहीं होगा काम कोई भी पूरा नहीं होगा, तो सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा। तो उस विश्वास को साथ लेकर चलिए, कुछ भी आपने काम करना है। तो जैसे आप कहते हैं पॉजिटिविटी, आजकल ये बड़ा फैशन चला हुआ जी, ये पॉजिटिविटी है जी, ये नेगेटिविटी है, तो शुक्र है किसी को ये तो समझ आ रहा है। पॉजिटिविटी मतलब क्या, जब फेथ आता है तो क्या होता है, उस समय आप आगे बढ़ते हैं। फेथ आपको क्या करता है, आपको पुश करता है आगे ले जाने की, और आपको प्रेरित करता है कि चलो रुको नहीं, आगे चलना है। और फेथ नहीं होता तो क्या है, आप खुद देख लीजिए, आप आराम से बैठ जाएंगे, आलस करेंगे, आप सोचेंगे होना हुआ ना तो है नहीं, छोड़ो ना, तो उस समय आपकी स्थिति क्या हो जाती है, तो आप अपने गोल से पीछे हट जाते हैं, यानी आप में उत्साह नहीं रहता, आप में आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो कम हो जाता है, यानी आपके विचारों को पावर नहीं मिलती चलने की। तो जब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो पहले क्या करना है, विचारों को पावर देनी है, विचारों को गति देनी है। उनमें गति कहाँ से आएगी, उनको फील करना है, ये नहीं खाली रट्टा, अफर्मेशंस रट्टा नहीं होती हैं। अफर्मेशंस को अगर फीलिंग के साथ हम करते हैं तो वो आपका सबकॉन्शियस में गहरे में चली जाती हैं, और अगर उसको बार बार करते हैं और आपके कहते हैं ना जब पूरे ध्यान में ही वही रहती हैं तो आपका वो सबकॉन्शियस में चली जाती है, तो उस समय क्या होता है, फिर आपको कुछ नहीं करना पड़ता, तो फिर ऑटो मोड में आ जाती है, ऑटोमेटिक प्रोसेस में, जैसे कहते हैं ना आपकी हैबिट बन जाती है। जैसे कई बार कहते हैं मैं अपनी हैबिट छोड़ना तो चाहता हूँ, छूटती नहीं है, तो वो क्या है, वो सबकॉन्शियस सारे काम कर रहा होता है। तो क्यों ना हम जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें हम चाहते हैं, उसको सबकॉन्शियस में डाल दें और भरोसा रखें खुद पर कि हम सब कुछ कर सकते हैं, अपनी शक्ति पर, परमात्मा की शक्ति पर, एक ही शक्ति है वो। और कहने की बातें हैं कि वो हमें भी चला रही है, हमारे तन को मन को, और सारी एनर्जी भी उसी की है, तन भी उस मिट्टी से बना है, ये मन की सोच भी विचार भी यहीं से आ रहे हैं सब। तो बस उसमें क्या करना है, हमें फेथ करना है, विश्वास करना है
कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जिसको ये विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ सही हो रहा है और सही होगा, तो ये तो बहुत बड़ा ही मंत्र है। और जिसने इस पर विश्वास कर लिया तो उसका जीवन तो जो होगा वो खुद ही करके ही जान सकता है कि वो कितने आनंद से भर जाएगा, और कभी वो कंप्लेंट भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि जो इनविजिबल पावर्स की उसको समझ आ गई, तो फिर तो बाकी तो बातें ही खत्म हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मन की पावर्स को भी अच्छी तरह से यूज़ करना है तो उसका जो सिस्टम है आपको उनके अनुसार ही चलना पड़ेगा, और उसमें पावर ऑफ फेथ बहुत बड़ी इसकी अहमियत है। तो अपने विचारों को अच्छे से फील करके, दिल से महसूस करके, उस पर पूर्ण विश्वास कर फेथ कर तो उसको सबकॉन्शियस में अपने पहुंचा दीजिए, और जब वो वहाँ पहुंच गई तो वो आगे का प्रोसेस अपने आप हो जाएगा। तो आप फिर कहेंगे कि मेरी जो मेरा सपना है वो पूरा हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी शुभ भावना के साथ कि आपको जो कहा जा रहा है आप उसको पूर्णता उतने ही दिल से, उतने ही विश्वास के साथ करेंगे, तो मैं आज की वीडियो में अभी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते कहती हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।